नहीं रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा का किचन। आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत जल्दी और बआसानी बन जाते हैं। चले ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 1 लीटर दूध, हम इसे बॉयल करते हैं। हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ एक उबाल देना है और फ्लेम को बंद कर देनी है। ये देखिए बॉइल आ गया है दूध में, अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको 1 से 2 मिनट खाली इसकी जो भाप है वो निकाल देते हैं। 1-2 मिनट खाली ऐसे हिला लें, उसके बाद हम इसमें, आप दूध किसी भी चीज़ से फाड़ सकते हैं, या तो आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं, या आप चाहे तो टाटरी से भी फाड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो विनेगर से भी ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच विनेगर लिया है, उसमें डालेंगे कम से कम 4 टेबलस्पून पानी। ये देखें 4 टेबलस्पून हमने डाला है इसमें पानी। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो हिलाएंगे, बिल्कुल स्लो स्लो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना। बिल्कुल स्लो स्लो हाथ हम इसमें चलाएंगे, हमारा जो पनीर है बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो अभी भी 1 टेबलस्पून बच गया। अभी देखिए हमारा जो पनीर है बिल्कुल सेपरेट हो गया, अलग हो गया है, ये देखिए, और बहुत सॉफ्ट बनाइए। चलो ठीक है, अब इसको 1 से 2 मिनट ही रहने देंगे, फिर उसके बाद हम इसको छान लेंगे। ये देखें हमने एक नीचे बर्तन ले लिया, उसके ऊपर एक चलनी रख ली, उसके ऊपर हमने एक सूती कपड़ा ले लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। इस तरह से विनेगर है अंदर, खटास मन है वो निकल जाए, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। बस अब हम इसको इस तरीके से इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से निकाल दें। इस तरीके से दबा दबा के से 2 मिनट के लिए बस इस तरीके से इसको बांध के कहीं भी ऐसी जगह पर हम, तब तक हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। इस तरीके से हमने बर्तन ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और कप के हिसाब से हम इसमें डालेंगे 1-4 कप पानी हमने इसमें डाला है। 1 कप हमने चीनी ली थी और 4 कप हमने इसमें पानी डाला है। अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे, जब तक हमारी यहाँ चाशनी बन रही है। अब हम इसमें 2 इलायची भी डाल देंगे, चाशनी में जब तक बॉयल आ रहा है तब तक हम अपने पनीर को देख रहे हैं। देखिए हमारा पनीर इसको हाथों हाथों की मदद से इसको अच्छे से
बिल्कुल डो की तरह बनाएंगे। ये हमारी हथेली होती है, हथेली के इसके इससे इस तरीके से हमें इसको अच्छे से तकरीबन 6 से 7 मिनट इसके अच्छे से हमें इस तरीके से इसको चिकना करना है कि ये डो की शक्ल में आ जाए। और बहुत स्लो हाथ से, ज़्यादा टाइट हाथ से बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखें, ये एक स्मूथ सा हमारा जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें आप, इस तरह से मैं इस तरीके से इसको ये बना, इस तरीके से बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर ना दे, बस इस तरीके से इसको ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम बना लेंगे, क्योंकि ये फूल के और भी बड़े हो जाएंगे तो बस हम यही साइज रखेंगे। चले इस तरह से हम सब बना लेते हैं। ये देखें तकरीबन 1 लीटर में हमारे 15 बने हैं। हमारा जो पानी है उसमें उबाल भी आ गया है और अब इस तरीके से हम एक एक करके सब इसमें डाल देंगे। पानी में उबालना बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से हम सारे डाल देंगे। और इसको अब हम कवर कर देंगे। तो इसी तरह हाई फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के हम इसी तरह छोड़ देंगे। तकरीबन 6 मिनट हो गए, अब हम इसको खोल कर देखते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये साइज़ में डबल हो गए हैं। अब हम इनको इसी फ्लेम पर पकने देंगे, बस इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सिर्फ इस तरीके से, इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं, इस पर कोई से भी स्पून ले लें, कुछ भी ले लें, बस इस तरीके से इसको टच करने में और पलटना है, बस इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं, ये देखें इस तरीके से। मैंने इसे 4 से 5 मिनट इसी तरह खुले अब खोल कर पकाएंगे, इसी तरीके से हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। ये देखिए अगर इसका बनने का तरीका कि हमारे बिल्कुल बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, तो उसका एक तरीका है, पानी लें इस तरीके से ग्लास में और उसमें एक डालकर तरह से चेक कर लेते हैं। देखें अगर ये फ्लैट हो रहा है अभी तो ये अभी थोड़ा सा और पकेगा, 1 से 2 मिनट, उसके बाद हम ये देखें ये ऊपर तैर रहा है तो ये अभी 1 से 2 मिनट और पकेगा। इसको हम निकाल लेते हैं और वापस इसमें डाल देते हैं और तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट रखें। 2 मिनट हो गए हमें, अब हम दोबारा से इसमें डाल के चेक करते हैं। ये देखें ये हमारा जो रसगुल्ला है वो नीचे बैठ गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसके 1 से 2 मिनट हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इनकी जो लुक है कितना अच्छा है माशाल्लाह से, और बहुत ही स्पंजी बने हैं ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।